बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर हाफिज़ सगीर अहमद और आप देख रहे हैं सुल्तानी स्टेट एंड बिल्डर्स। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है फाउंडेशन यानी कि बुनियाद। बुनियाद क्या होती है, अच्छी और मियारी बुनियाद कितनी होती है, बुनियाद की मेजरमेंट कैसे की जाती है और बुनियाद के रेट्स क्या होते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। जो हमारी बिल्डिंग की वॉल्स होती हैं, जहाँ पर हमारी वॉल्स आ रही होती हैं, वहाँ पर जो हम एक्सिबिशन करते हैं उसको हम बुनियाद कहते हैं। अच्छी और मियारी बुनियाद जो होती है वो बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से बनाई जाती है। जैसा कि हमारे छोटे घर होते हैं, 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला या 10 मरला तक, उसके लिए जो अच्छी और मियारी बुनियाद होती है वो 2.5 से 3 फीट गहरी और 2.5 से 3 फीट चौड़ी जो बुनियाद होती है वो एक अच्छी और मियारी बुनियाद समझी जाती है। इसकी डेप्थ का हिसाब हम नेचुरल सरफेस लेवल से लगाते हैं। अगर हमारे प्लॉट में अगर कोई लूज़ मटेरियल पड़ा है तो इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, और हरगज़ आपने लूज़ मटेरियल से अपनी बुनियाद की जो है वो अपनी बुनियाद नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप लूज़ मटेरियल से अपनी बुनियाद रखेंगे तो वो आस्ता आस्ता बैठता रहता है और हमारे बिल्डिंग को नुकसान पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी बात होती है वो होती है कि अगर सॉइल बहुत सख्त है तो आप उसको पानी शानी लगा के उसको वेट करके तो आप उसकी एक्सिबिशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 2 फुट से नीचे नहीं ले जा सकते। इसके बाद बुनियाद की जो मेजरमेंट है वो क्यूबिक फिट के अंदर की जाती है। लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके हम इसके क्यूबिक फिट्स निकाल सकते हैं। और फिर जो आखिरी बात होती है वो होती है रेट्स की, उस हिसाब से हम रेट के साथ मल्टीप्लाई करके तो हम इसको आगे एक्सिबिशन के लिए दे सकते हैं। आपने बुनियाद के अंदर ख्याल ये रखना है कि जो आपकी बुनियाद है वो हमेशा हार्ड सॉइल के ऊपर रखी जाए, कभी भी इसको लूज़ मटेरियल को बना रखा जाए ताकि आपकी एक अच्छी और मियारी बिल्डिंग बन सके। आजकल जो बुनियाद का रेट है वो 12 से 15 रुपए तक है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर कंस्ट्रक्शन के मतलब कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।